अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आप लोगों के दोस्त, आप लोगों के होस्ट, आप लोग की अपनी फार्मासिस्ट डॉक्टर अमारा। आज हम बात करते हैं फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन के बारे में। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि फार्मेसी टेक्नीशियन कौन होता है और फार्मासिस्ट कौन होता है, और एक फार्मासिस्ट और एक फार्मेसी टेक्नीशियन क्या क्या कर सकता है। तो फिर हम इस वीडियो में, सारी की वीडियो में ये सब जानेंगे कि फार्मेसी टेक्नीशियंस का स्कोप क्या है, उसके एडमिशन्स कब होते हैं, उस किस एज ग्रुप के लोग फार्मेसी टेक्नीशियन कर सकते हैं, ये डिप्लोमा कर सकते हैं, और इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, मैट्रिक साइंस के साथ होना ज़रूरी है या नहीं, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट ये डिप्लोमा करवा रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इसके रेगुलर क्लासेस लेना या उसके बगैर भी ये पॉसिबल है, और इसका सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स क्या हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में, पेपर पैटर्न, मार्क्स, डिवीजन, ये सब हम इसका स्कोप पाकिस्तान में और इसमें जो डिफरेंट जो आते हैं ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ जहाँ हम आगे फ्यूचर में जॉब कर सकते हैं, ये सब बातें आज के हम इस सेशन में जानेंगे। फार्मास्यूटिकल कंप्लीट वर्ड है इज हेल्थ केयर वर्कर्स। दीज आर हेल्थ केयर वर्कर्स हु परफॉर्म फार्मेसी रिलेटेड फंक्शंस जनरली वर्किंग अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट फार्मासिस्ट आर अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। सो दीज आर ओनली असिस्टेंट्स। यहाँ पर ये बात होगी रोजीज डेफिनेशन में, और ये इनका सारा काम फार्मासिस्ट रेलिवेंट है, ठीक है, अंडर फार्मासिस्ट या किसी प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशन से इनके अंडर काम करेगा, ठीक है। अब इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं कम्यूनिटी हॉस्पिटल क्लिनिकल फोरेंसिक मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग उसके अलावा हेल्थ केयर यूनिट्स जो हैं बाय गवर्नमेंट और एनजीओस भी आ सकती हैं, ठीक है, जो फार्मेसी टेक्नीशियन के वर्क डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर है। उसके बाद रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन देगा और डिवाइस के बारे में भी उसको सारा गाइड करके भेजेगा, मेडिसिन से उसके यूज़ के बारे में, इसको किस तरह से हमने यूज़ करना है, कैसे कैसे उस तरह से एक डिवाइस है, कोई भी डिवाइस जैसे बी पी प्रैक्टिस वगैरह आ जाता है, कोई जो ग्लूकोमीटर वगैरह हो गया या फिर एस्थमा के लिए जो स्टीमर यूज़ किया जाता है, तो उसे कैसे यूज़ करना है, किसको भी, ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स आ जाती हैं जो मेडिकल रिलेटेड हैं। उसको ज़ाहिर सी बात है एक आम इंसान को उसका नहीं पता होता, तो डिटेल में किस तरह से यूज़ करना है या किस तरह से मेडिसिन को यूज़ करना है, तो वो डॉक्टर की सम टाइम ऊपर राइटिंग वैसे देते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन के, तो पढ़ ही नहीं जाती आम इंसान से, तो उसे बस रीड करके बताना होता है ये डिस्पेंस करना होता है, ये इसका काम होता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज़ हैं, मीन एडमिन की ड्यूटीज इसकी, या एक एक सेटअप में फार्मेसी टेक्नीशियन के क्या क्या ड्यूटीज हैं, ठीक है। अब फार्मेसी टेक्नीशियन के मेन जो ड्यूटीज हैं डिस्पेंस करना, क्या चीज़, प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने लिखी है, डॉक्टर ने फार्मेसिस्ट लिखना है, और अदर हेल्थ डिवाइसेस, एक मेडिसिन के बारे में डिस्क्रिप करेगा और दूसरे एक डिवाइसेस के बारे में, ठीक है, टू पेशेंट्स एंड फिर उसके बाद हम क्यों रिव्यू करते हैं। एक तो इसमें ये होता है कि हम करेक्ट मेडिसिन देनी होती है, दूसरी पेमेंट के लिए, ठीक है। समटाइम पेशेंट मेडिसिन लेता है और हमारे जरूरत से निकल जाता है, मीन मेडिकल स्टोर से निकल जाता है और पेमेंट वगैरह नहीं होती है, सो उस चीज़ को भी इंश्योर करने के लिए हम इसको रिव्यू जरूर करते हैं। तो वहाँ पे जो सेल्स पर्सन खड़ा होता है, होना तो चाहिए कि वहाँ पे फार्मेसी टेक्नीशियन हो, बेसिकली होता वही है, तो अब वो उसे रिव्यू करेगा, वही काम करेगा। उसके बाद फिर कौंसल करना होता है, ठीक है, कौंसल क्या करना है, स्पीक डायरेक्टली टू पेशेंट, ठीक है। अब क्या पेशेंट से बात करनी है रिगार्डिंग देयर मेडिसिन, ठीक है, उनके मेडिसिन के बारे में। अब आगे फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ये है कि जो मेडिसिन से रेलिवेंट उनको गाइड करने के लिए कौंसल जो किया जाता है वो ऑन कॉल किया जाता है, और उन्हें
रिमाइंडर दिया जाता है, या फिर रिमाइंडर दिया जाता है। इवन अब भी ये पाकिस्तान में भी होना शुरू हो गया, दूसरे यूरोप कंट्रीज में जैसे हो रहा है वैसे पाकिस्तान में भी होना शुरू हो गया हुआ है। ठीक है, दिस इज बेनिफिशियल बोथ फॉर बिजनेस एंड हेल्थ केयर। सो रिमाइंडर दिया जाता है कॉल करके, हमारा कोई स्टाफ जैसे फार्मेसी टेक्नीशियन है यहाँ पे, वो कॉल करता है और उसको कौनसल कर देता है मेडिसिन के बारे में, या उनको उनकी मेडिसिन का रिकॉल करवाता है, लाइक हेपेटाइटिस की मेडिसिन हैं या डायबिटीज़ की तो, या हार्ट से रिलेवेंट करें तो, ये लॉन्ग टर्म मेडिसिन होती हैं। तो अब उन्हें रिमाइंड करवाना कि वो उनके काम में डिपार्टमेंट्स हैं, उनके काम सारे, तो आप लोगों को भी होते हैं कारणी पूछेगा। सबसे पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, सूटिक्स, इसमें आप डोजेज फॉर्म से रिलेवेंट सारी चीज़ें पढ़ेंगे। डोजेज फॉर्म क्या होती है, किसी भी मेडिसिन की मैनुफैक्चरिंग, उसकी प्रिपरेशन, ठीक है, चाहे वो टेबलेट हो, चाहे सीरप फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। जब हम किसी भी मेडिसिन को बनाते हैं तो वो कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, उसके बनाने के जो फॉर्मुलेशन हैं वो फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे। इससे मिलता जुलता एक और सब्जेक्ट है इंडस्ट्री, वो इसी में आप लोगों को नेक्स्ट ईयर में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्री, उसमें आपको अपरेटस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल में बताया जाएगा, ठीक है। अभी आप बेसिक डोजर फॉर्म और फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स में। इसके आगे लिखने हैं डोजेज फॉर्म्स, यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में फॉर्मुलेशन। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, फार्मा सेम स्टडी ऑफ फार्मेसी और साइंस, ठीक है। फार्मा का बेसिकली मीनिंग होता है स्टडी ऑफ मेडिसिन, ठीक है, इसके साथ लिखते हैं एरो लगा के स्टडी ऑफ मेडिसिन। और कोग्नोसी, कोग्नोसी बेसिकली वर्ड दिया गया है वीक वर्ड्स है जो कि यूज किया जा रहा है हर्बल ड्रग्स के लिए। कौन से ड्रग्स के लिए जी, इसको कॉमन कहते हैं हर्बल ड्रग्स, हर्बल और नेचुरल ड्रग्स, ठीक है। जहां पे भी हम मेडिसिन देखेंगे हर्बल, हर्ब्स क्या होती है, पीछे से भी आवाज आए ना, जो जड़ी बूटियों से ली जाए। अब ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, नेचुरल सोर्सेस में एनिमल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बायो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें तीन कैटेगरीज फर्दर आ जाएंगे, इस सब्जेक्ट की डिटेल्स भी हम फर्दर बाद में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं एनाटॉमी की जी, उसके बाद एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है, और एनाटॉमी का स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पे आ जाते हैं वो एनाटॉमी होता है, एनाटॉमी, ठीक है। और जहाँ पे हम फिजियो की बात करते हैं तो वो फंक्शन से स्टडी हो रही होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाता है नेक्स्ट सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, साथ साथ नोट करते जाए बेटा सब स्टूडेंट्स, रजिस्टर पे मैं लास्ट में चेक करूंगी सबका, ठीक है, ये आपका फायदा रहेगा। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी, फंक्शंस। एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें हम सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो शेप्स देखेंगे, ठीक है, फिजिकली जो शेप्स हैं कैसे हैं, किधर पर हैं और क्या कलर है, इस तरह की सारी हम चीज़ें डिटेल्स देखेंगे, ठीक है, सेल्स और इस तरह के नेम्स वगैरह देखेंगे। उसके बाद फिजियोलॉजी में हम इसमें फंक्शनिंग देखेंगे कि लीवर का क्या काम है, बाइल का क्या काम है, कहाँ पे है, इस तरह की डिटेल्स देखेंगे, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और केमिस्ट्री केमिकल स्टडी आप करेंगे, ठीक है। इसमें आप केमिकल प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है वो सारे स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट है आपका माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो नाम से पता चल गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जी, और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्मार्ट क्रिएटर्स। यहाँ तक सब्जेक्ट्स के इंट्रोडक्शन में कुछ किसी को कंफ्यूजन हो, किसी के लिए कोई वर्ड कुछ टर्म कुछ मुश्किल हो, इस सबका यहाँ पे बैकग्राउंड डिफरेंट है, एजुकेशन डिफरेंट है, फॉर्मल से
एजुकेशन में यूजली ऐसे ही होते हैं, डिपेंड जो है बैकग्राउंड के होते हैं स्टूडेंट्स. तो अगर जो भी आपके पास प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं. माइक्रो में आप बैक्टीरिया वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे, ठीक है. फिर बैक्टीरिया कल्चर कैसे करते हैं, वायरसेस को कैसे कल्चर करते हैं, स्लाइड्स बनाएंगे, ये सब चीजें स्टडी करेंगे, ठीक हो गया. फंक्शंस, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी ऑर्गेनिजम्स आर सिस्टम्स. अच्छा अब सब्जेक्ट की डिवीजन देख लेते हैं पेपर पैटर्न को, ठीक है. फर्स्ट टू सब्जेक्ट्स फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोग्नोसी, ये आपका पेपर वन होगा, ठीक है. एक पेपर होगा. इसके अलावा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है. ये चारों में चारों सब्जेक्ट मिला के एक पेपर बनेगा, ठीक है. ये पेपर बी होगा, ये पेपर ए है और ये पेपर बी है, ठीक है. दो पेपर्स होंगे जो कि 120 मार्क्स का, हर एक के मार्क्स की डिवीजन होगी 120 मार्क्स, ठीक है. ये एक पेपर के मार्क्स बता रहे. अब आप देखिए अगर ये दो सब्जेक्ट्स हैं इसमें तो 60-60 की इसमें क्या कम्बिनेशन होगी दोनों की. सिटिक्स के 60 मार्क्स का आएगा, इसमें से 60% होगा, ठीक है. ऐसे हो गया. फोर सब्जेक्ट्स हैं तो इसमें से 30-30 मार्क्स का बन जाएगा, ठीक है. इस तरह से आपकी पार्टीशन होगी. क्लियर है? जो लोग बच्चे अभी ये क्लास दे रहे हैं उनके लिए तो इजी रहेगा सब्जेक्ट्स को समझने में, ठीक है. और उन्हें ये भी पता होगा पेपर पैटर्न क्या है, वरना टिल एंड बच्चे यही रोते रहते हैं देख हमें पेपर पैटर्न नहीं पता, और ये क्लास में कई बार रिपीट होता रहता है. कुछ कंफ्यूजन पेपर पैटर्न में, बस सब्जेक्ट एक में कम है और एक में ज्यादा करती है, वो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है. इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आपके ये मेजर हैं, फार्मेसी से जो रेलेवेंट है, जिनका आगे आपके फील्ड में काम है. जी आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की तरफ चले. फार्मेसी क्या है, फार्मेसी टेक्नीशियन क्या है, फार्मास्यूटिक्स सबने खोली हुई है. पेज नंबर 11 निकाले, स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर. ये बोर्ड से अरेज कर दो, सब चार्ट बना लिए, मार्क्स की डिवीजन सब नोट कर लें अपने पास, मैं चेक कर लूं कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसके पास ना लिखा हो. और नीट एंड क्लीन करके लिखा हो कि आपको लास्ट पेपर वाले दिन भी आप खोल के देखें तो आपको पता हो, ठीक है. अभी मैंने क्या बताया, फार्मास्यूटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ, सॉरी सर बोले क्या लिखा है आपने कॉपी पे, फिर लास्ट आवाज नहीं आ रही है. तो हम इसमें आप फर्दर ड्यूअल फॉर्म देखेंगे होती क्या है, ठीक है. नेक्स्ट पेज पे दोबारा से इसका बनाएं. अब ड्यूअल फॉर्म्स क्या होती हैं, डिफरेंट फॉर्मुलेशन का भी मैंने वर्ड यूज किया था इसके लिए सिंपल वर्ड्स में. लाइक टैबलेट्स, कैप्सूल, जी जी, और कौन से क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स आती हैं, यस मैम, और शैम्पू क्या क्या है, शैम्पू किस कैटेगरी में आता है, जितनी भी फॉर्मुलेशन है वो सारे इसमें आती है, ठीक है. समटाइम इस तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिर वाइवा में कुछ इस तरह की, तो आप लोगों ने चीजें क्वेश्चनिंग कैसे करने का रीजन भी होता है कि आप लोगों को पता हो, ठीक है.
अभी ये बुक से डेफिनेशन देख लेते हैं फार्मास्यूटिक्स की. ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस टू प्रॉपर डोज फॉर्म. कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी फॉर्म टू प्रॉपर डोज फॉर्म. ठीक है, केमिकल एंटिटी को हमने केमिकल इंग्रेडिएंट को क्या करना है, एक डोज फॉर्म बनानी है. ठीक है, डोज फॉर्म कोई भी हो सकती है, टैबलेट आइदर हो जाए या फिर कैप्सूल हो जाए, कोई भी हो सकती है. ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है. एक फार्मेसी है बेसिकली, ये डिग्री है. ठीक है, जो कि करने के बाद डिग्री करने के बाद क्या बनते हैं, डिग्री बताएंगे, डिग्री बनते हैं जी फार्मेसी. आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, कैटेगरी का नाम क्या है, फार्मेसी या फिर फॉर्म डी. ठीक है, इसके डिफरेंट नेम्स हैं. तो उसके बाद एक पॉइंट डिग्री हो गया, दूसरा ये इसके नाम क्या है, वो कहलाते क्या वो लोग. ठीक है, लाइक हम फार्मासिस्ट बेसिकली मैं क्लियर ग्रीन के फार्मासिस्ट हूं, मैं इंटरनल एंटोमोलॉजी फार्मासिस्ट मेरी फर्दर आगे डिवीजन है, मैं सीधा सीधा वर्किंग कर रहा हूं. ठीक है, या आप आगे फर्दर स्टडी करेंगे आप लोग पता चल जाएगा. ठीक है, इसी तरह से दूसरी कैटेगरी आप लोग की है फॉर्म. क्या है आप लोगों का नाम, क्या करने आए हैं, डी फार्मेसी नहीं बेटा, करने आए जी फार्मेसी टेक्नीशियन. टेक्नीशियन का बेसिकली काम क्या होता है, असिस्टेंट क्या करना, फिर करना फिर नवे ज्यादा था करने आने से है नहीं के फार्मूले बनाने में नवे आगे मुझे ही बनाने पे आज अखबार से हमें तो इतनी कोई वो होती नहीं है. हमारे यहाँ बड़े बड़े यहाँ है डिग्री पार्टनर में कहीं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से नहीं होते तो टेक्नीशियन से आगे कौन से देने वाले है? आगे आ जाए, हम बात कर रहे हैं टेक्नीशियंस की. ये बेसिकली क्या होते हैं, असिस्टेंट, असिस्टेंट ऑफ फार्मासिस्ट. ठीक है, और दूसरी इनका जो ये डिग्री है डिप्लोमा है, क्या है जी, ये डिप्लोमा है. आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, ये वाइवा में एग्जामिनर आप लोग से बहुत कंफ्यूजिंग पूछता है. फिर हम बात कर लेते हैं ये डिग्री है तो ये 5 इयर्स की है. पहले ये 4 इयर्स की थी जो कि बी फॉर्म से थी जो कि कन्वर्ट होके 5 इयर्स में हो गया. पहले अब ये डॉक्टर ऑफ फॉर्म से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन डिफरेंट नेम रहेंगे. ठीक है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन एक्सपर्ट, ये सारे नेम्स लिखने हैं आपने साथ. ठीक है, किसी भी वर्ड के साथ आपको एमसीक्यूज में शॉर्ट आंसर में कहीं भी कोई टर्म यूज की जा सकती है, इसलिए आपको मल्टीपल चीजें बता रही हूँ. उसके बाद दूसरा है डिप्लोमा की बात करते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन की, तो ये जस्ट 2 इयर्स का डिप्लोमा है. ठीक है, और असिस्टेंट जिन्हें कहते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन कहते हैं, फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन भी समटाइम कहते हैं, फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल भी कहते हैं समटाइम. बेटा लिखते जाए, सब पेपर रजिस्टर नहीं है तो पेपर पर लिखते, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आप लोग के. 4 to 5 इयर्स का था, अब 5 इयर्स है. ठीक है, ये डिफरेंट नेम्स बता दिए मैंने आपको, डॉक्टर फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन एक्सपर्ट, ड्रग एक्सपर्ट, ये सारे इनके नेम्स हैं. वो आगे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ये बेसिकली जो फार्मासिस्ट है उनको ये सारे टाइटल्स दिए जाते हैं. और ये 2-3 जो इसके फार्मेसी टेक्नीशियन के हैं डिप्लोमा होल्डर के, उनके नाम भी मैंने लिखे हैं. अब बात कर लेते हैं कैटेगरी की. कैटेगरी का बहुत ज्यादा कॉमन, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कौन सी कैटेगरी कर रहे हैं आप लोग, बी कैटेगरी जी, शाबाश जी. और फार्मेसी फार्मासिस्ट कौन सा, क्या हो गया, डी कहाँ से आ गया, इसको डी भी कहते हैं.
फॉर्म डी है, कैटेगरी ए है, और जो डी में आता ना वो डिस्पेंसर भी आ गया था, डिस्पेंसर तक किया भी उससे आगे नहीं गया, ठीक है। तो डिस्पेंसर भी कब अब कब के खत्म हो गया, ठीक है, उनके भी कन्वर्ट करके फार्मेसी टेक्निशियन कर दिया गया, उनके भी पेपर जो एजिड थे बाबे थे पहले डिस्पेंसर, ठीक है, मैंने तो अपने एरिया में बहुत से ऐसे देखे हैं, उनके भी पेपर दिलवाए गए और मतलब उन्हें भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, और फिर उन्होंने पेपर दिया और फिर आगे कन्वर्ट किया फार्मेसी टेक्निशियन। तो दो कैटेगरीज हैं जस्ट ए बी सी, ठीक है, पहले सी तक थी अब बी तक किया, ठीक हो गया। कैटेगरी में कोई कंफ्यूजन और क्या लगे पॉइंट इसमें, कोई चीज मिसिंग हो, कुछ पूछना हो? अच्छा, जैसे ये कैटेगरी है ना, इसी तरह से आप लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, आप लोगों की काउंसिल होती है जो कि पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान की काउंसिल है, ठीक है, फिर हर जो आपका जो है ना सुबह, हर सुबह में एक सेपरेट काउंसिल है, जैसे कि हम पंजाब में है तो पंजाब की काउंसिल, पंजाब फार्मेसी काउंसिल, ठीक है, क्या नाम है जी, पंजाब फार्मेसी काउंसिल। और अगर सिंध वाली साइड पे सिंध फार्मेसी काउंसिल, केपी के में केपी के फार्मेसी काउंसिल, इसी तरह से, ठीक है। तो हर जगह के काउंसिल है, वहां पर रजिस्ट्रेशन होती है हर फार्मासिस्ट की, हर डिप्लोमा होल्डर की, वहां से उनकी उनके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उनकी लाइसेंसिंग होती है, उनकी कैटेगरीज होती है, ए टू जी वहां पे उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। हर जगह प्रोसेस, चाहे वो सेल्स से रेलेवेंट है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रेलेवेंट है, वहां पे वो रजिस्टर होता है। आप लोगों के लिए सब्जेक्ट से रेलेवेंट, आपकी कैटेगरी क्या है, सारी चीजें, ये चीजें जो मेन फिगर्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अभी कुछ माइंड कंफ्यूजन है, पहले माइंड में सोच के आए थे कुछ चीजें, समझ आई, कुछ है माइंड में, कुछ बातें, कुछ टॉपिक में समझ नहीं आया तो बताएं, डिस्कस कर लेते हैं उसको। एनी स्टूडेंट? नो मैम। मैंने नेक्स्ट ईयर सुनना भी है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए टॉपिक्स, ठीक है। मैनेजमेंट हम साथ साथ थोड़ा सा याद करवाते हैं, क्योंकि वीकेंड बेस पे हमारी क्लासेस होती हैं तो वो मुश्किल होता है, सब डिपेंड, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट है, तो हम लोग साथ साथ, हमारी कोशिश होती है कि बच्चों के साथ अपना ग्रोथ करवा दिया जाए, कि उन लोगों को ज़्यादा ना करना पड़े, ठीक है। तो मेरी कोशिश पूरी यही होगी कि इतनी बार रिपीट हो क्लास में, देखते हैं कि आप लोग अच्छे से याद हो जाए क्लास में, ठीक है। जस्ट आप लोग एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, और आपको नेक्स्ट ईयर आपको तैयार होगा इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह जितनी जानता रहे, अल्लाह करे रिजल्ट्स में जानता रहे। चलिए ये इस टॉपिक का भी, इस फार्मास्यूटिक्स को क्लोज करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये बुक से एक बार रीडिंग कर लें जी बेटा, आप लास्ट से रीडिंग करें, कुछ कंफ्यूजन है तो देख लेते हैं।